हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू PSEB ट्यूशन पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स की जो आपकी न्यू बुक है, तो उसमें आपके कौन कौन से चैप्टर हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। हमने 8th क्लास की साइंस स्टार्ट की हुई है, आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। मैंने 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिए चैनल पर, आप देख लेना। सारे चैप्टर भी मैंने समझाए हुए हैं न्यू बुक से और क्वेश्चंस भी कराए हैं। ठीक है, अब ये मैथमेटिक्स की बुक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको मैथ्स के कम से कम आपको अगर चाहिए रेगुलर वीडियो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो कम से कम अगर 10 बच्चे भी मुझे डेली, मतलब 10 बच्चे भी कमेंट कर देंगे कि हमें रेगुलर वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए मैथ्स की वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है बेटा आपके मैथमेटिक्स की क्लास 8th की बुक जो कि न्यू है, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। तो आपने जो है पुरानी बुक बिल्कुल नहीं खरीदनी है 8th की। 8th का सिलेबस जो है मैथमेटिक्स का वो बिल्कुल चेंज है PSEB का, आपने न्यू बुक ही खरीदनी है साइंस और मैथ्स की। ठीक है, तो ये है आपकी न्यू बुक का ऊपर आपका फ्रंट पेज, जिसको देख के आपको पता लग जाएगा ये मैथमेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अपने कौन कौन से चैप्टर हैं ये देखो। चैप्टर नंबर 1 आपका रैशनल नंबर है, 2 लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेट्स, डाटा हैंडलिंग। ठीक है, तो इसी चैप्टर के अकॉर्डिंग आपने आगे काम करना है। तो जो आप कहोगे पुरानी बुक में भी यही ऑलमोस्ट चैप्टर है, बट एक दो चैप्टर नहीं है, तो बट उनके सब अंदर जो क्वेश्चंस हैं ना बेटा वो भी चेंज है। इसलिए आपको 8th की साइंस और मैथ्स की न्यू बुक ही लेनी पड़ेगी, आपने पुरानी बुक बाय नहीं करनी है। ठीक है, तो ये आपके टोटल 13 है। पहले जो मैथ्स थी उसमें 16 चैप्टर थे, तो अब वो रिड्यूस करके आपके 13 चैप्टर कर दिए गए हैं। तो यहाँ से आप देखो ये सारे चैप्टर हैं आपके। चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर, डाटा हैंडलिंग, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब क्यूब एंड क्यूब रूट, और कंपेयरिंग क्वांटिटी, अलजेब्रिकल मेंसुरेशंस। ठीक है, ज्योमेट्री वाला काम खत्म कर दिया आपका इसमें से। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रॉपर्टी, फैक्टराइजेशन और इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। ठीक है, तो ये आपका पूरा है जो कि आपका 8th की मैथ्स का आपका सिलेबस है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो हेल्पफुल लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।